दुनिया उगते सूरज को सलाम करती है। कहा जाता है ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ब्रिटिश का तो ये भी कहना है, हमारे देश में सूरज ढलता ही नहीं। ऐसा लगता है कि सूरज ढलना गलत है, अशुभ है, पर विदेश में ऐसा मानते होंगे क्योंकि हम भारतवासी ऐसा नहीं मानते। हमारे लिए ढलता सूरज भी उतना ही पूजनीय होता है जितना उगता सूरज। नमस्कार, मैं नीतू मंडल, स्वागत है आपका PNL 24 पर। नमस्कार, मैं रोशनी गुप्ता। हर साल दीपावली के छठे दिन हमारे देश के 30 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ढलते सूरज के आगे नतमस्तक हो जाते हैं। अगले दिन सप्तमी तिथि को उगते हुए सूरज को अर्घ देते हैं। भारत की नस नस में बसा ये त्योहार छठ पूजा कहलाता है। आखिर कौन है छठ माता? इनके बारे में पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं। कहा जाता है नवरात्रों में पूजी जाने वाली देवी कात्यायनी को ही छठ माता कहा गया है। सनातन धर्म में छठ माता को सूर्य की मानस पुत्री कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में द्रौपदी छठ पूजा किया करती थी। और कर्ण तो थे ही सूर्य पुत्र। माना जाता है कर्ण भी छठ पूजा किया करते थे, तभी से हम भारतवासी भी सूर्य को पिता मानते हैं। इसीलिए हम सबके अंदर भी एक कर्ण की छाया है। पूजा में जब सूर्य को परम निवेदन करते हैं तो सिर्फ एक भक्त ही भगवान को परम निवेदन नहीं कर रहा होता, बल्कि एक पुत्र भी अपने पिता को परम निवेदन कर रहा होता है। इसलिए हर भारतवासी सूर्य की तरह चमकना और सूर्य की तरह तपना जानते हैं। छठ पूजा की प्रतिज्ञा का पहला दिन, जिसे कहते हैं नहाए खाए, इसमें घर की शुद्ध मन से साफ सफाई की जाती है और घर के सभी लोगों को सात्विक भोजन परोसा जाता है, जिसमें सारा ध्यान सिर्फ पवित्रता पर होता है। छठ पूजा के दूसरे दिन साफ किए गए चौके बर्तन से प्रसाद बनाया जाता है। सुबह के लिए ठेकुआ और शाम के लिए लौकी की दाल और गुड़ वाली खीर खाकर खुद को निर्जले व्रत के लिए तैयार करते हैं। छठ पूजा का तीसरा दिन, जिसे कहते हैं संध्या अर्घ, इस दिन निर्जला उपवास रखा जाता है और यह दिन छठ पूजा का मुख्य दिन माना जाता है। पूरे दिन की तैयारियों के बाद शाम को छठ घाट पर जाकर आटे से चौका पुराया जाता है और गन्ने को बांधकर माता का गीत और भजन करते हैं। और छठ पूजा के चौथे यानी आखिरी दिन सुबह सुबह 3 बजे से पहले उठकर पिछली शाम की तरह ही प्रसाद और गीतों से छठ माता की पूजा करते हैं और सूर्योदय की प्रतीक्षा करते हैं। छठ घाट पर कोई ऊंच नीच नहीं देखी जाती, सभी लोग हर बदी पर जाकर माथा टेकते हैं। जिस तरह हर साल में आने वाला यह त्योहार हमारे मन को शुद्ध कर देता है ना, ऐसा कोई दूसरा त्योहार नहीं। छठ घाट पर ना कोई छोटा होता है ना कोई बड़ा, हर एक इंसान एक दूसरे से प्रसाद मांगकर खाते हैं क्योंकि ये त्योहार एकता का प्रतीक माना जाता है। तो रवा लोग भी जल्दी जल्दी तैयार हो जाएं छठ घाटे चले के लेल। अहां सब पर छठी मैया की कृपा बनल रहे। अहां सब के छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। देखते रहिए PNL 24।